ओके 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 मेरे प्यारे बच्चे म्यूट था तो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं तो वेलकम बैक टू योर प्यारा सा चैनल मेरे प्यारे बच्चे फिजिक्स ब्रो जहां पे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ ICSC, केमिस्ट्री क्लास टेंथ आईसीएस केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन फॉर योर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का और बच्चे इससे भागते हैं लेकिन विश्वास मानिए बहुत ही प्यारा चैप्टर है बहुत ही मजेदार है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से इस स्ट्रीम के लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएं स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टार्ट कर लीजिए कॉपी और पेन लेके ठीक है इसमें आपको बता दें कि इस बार जो सिलेबस है उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं जो पहले के लेक्चर में नहीं थे पहले के YouTube वीडियोस में नहीं है तो वो इंक्लूड करके इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा लेकिन speed थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो उसको आपको करना करना होगा, क्योंकि एक पूरे lecture में हमें पूरा गुड मॉर्निंग टू ऑल जो बच्चे आ चुके हैं है, जल्दी से अपना नाम टाइप करके आज की अपनी अटेंडेंस दर्ज कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर संस्कार स्टडी टाइम रुद्र आ, ओके, में में, और संस्कार अभी आवाज ठीक है ना हाँ रुद्र मानित गुड मॉर्निंग बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं ओके तो बच्चे देखिए इसमें कुछ ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा जो इस बार का सिलेबस है जिसमें आपकी कुछ चीजें ऐड हुई हैं है ना क्या चीजें ऐड हुई हैं मेरे बच्चे इसमें आपका आगे बताता हूं मैं ठीक है ना ये देखिए ये एल्कोहल ऐड हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो चुका है ये पूरा का पूरा ऐड हुआ है और बीच बीच में छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं जब आएगा तब बता देगा ठीक है फिलहाल बात आई चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेसिकली स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग क्या कंटेनिंग कार्बन क्या था मेरे प्यारे बच्चे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि जब हमें बहुत लिटिल नॉलेज थी बहुत कम नॉलेज थी तब ये कहते थे बहुत सालों पहले की बात करें कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें प्लांट से ऑप्टेन होते हैं या लिविंग बींग्स से ऑप्टेन होते हैं उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और इसकी स्टडी को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं लेकिन बाद में पता चला कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो कि लिविंग बींग से प्लांट से ऑप्टेन किए जा रहे थे पहले सिर्फ प्लांट से ऑप्टेन किए जा रहे थे बाद में वो लेबोरेटरी में भी बनने लगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया यूरिया को लैब में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया एसिटिक एसिड आसेट प्रिपेयर होने लगा और बर्थुले ने मीथेन प्रिपेयर करके सबको चौंका दिया बोले जो पहले सिर्फ आपके ऑर्गेनिक आपके प्लांट से ऑप्टेन होते थे लो भाई हम यहाँ पे लैब में प्रिपेयर करते रहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन कहना कि वो कंपाउंड जो कि प्लांट से ऑप्टेन होते हैं अब गलत था उस समय फिर डेफिनेशन चेंज करी गई उस समय कहा गया कि भैया अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे कहेंगे

जैसे कि ये लीजिए डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई इसमें मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ क्या एक्सेप्शन है जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं उनको हम ऑर्गेनिक कम्पाउंड्स कहते हैं एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी कार्बोनेट्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं और जितने भी साइनाइड्स हैं है, जैसे सोडियम साइनाइड मेटल कार्बाइड्स कैल्शियम कार्बाइड्स इन सबको छोड़ के देखिए इसमें भी कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक नहीं कहलाते बोले सर उसका रीजन उसका रीजन ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं इनके अलावा उनकी एक कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कोवल बॉन्डिंग वगैरह वो शो करते हैं लेकिन यहाँ पे उस तरीके की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं रखा जाता ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी दुनिया में अगर हम डेली में देखें तो सुबह से लेकर रात तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कंपाउंड्स यूज करते हैं सोप डिटर्जेंट पाउडर और ये बहुत सारी चीज है लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेन बात पे चल रहे हैं यस yes, बेटा रिया आ, 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 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो नॉट प्लेस इन इज नॉट प्लेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी कार्बोनेट ये कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एक ही बात है गुड मॉर्निंग इंद्रजीत बेटा जी मेरे प्यारे चलिए बात आई कि सर कि आ, इतने सारे जो कंपाउंड्स बनते हैं इसकी एक अलग से केमिस्ट्री बना दी गई है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं तो सर ऐसा क्या है कार्बन में जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है लाखों कंपाउंड्स बनाता है ऐसा कोई भी और दूसरा एलिमेंट नहीं है जो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कार्बन बनाता है बट इतने सारे कंपाउंड्स क्यों क्योंकि कार्बन में ऐसी दो प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जिसकी वजह से ये सैकड़ों कंपाउंड की फॉर्मेशन दिखा देता है उसमें से दो प्रॉपर्टीज हैं एक टेट्रावेलेंसी और एक कैटिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा टेट्रावेलेंसी क्या होती है कार्बन का एटोमिक नंबर सिक्स होने की वजह से इसकी जो कॉन्फिग्रेशन होती है वो टू कॉमा फोर होती है आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कितनी बॉन्ड्स बना सकता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अपने आउटर में करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है एक इधर से इधर 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 से इदर से इदर से तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बॉन्ड बनाने के इसलिए ये हजारों कंपाउंड बनाता है दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन जिसमें क्या होता है कार्बन के आउटरमोशन में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन एटम्स की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप अपने आप एक कार्बन एटम दूसरे से दूसरा वाला तीसरे से जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के लॉन्ग चेन्स बना सकता है इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं दिस इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट इज कैटिनेशन द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू जॉइन विद अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन टेट्रावेलेंसी क्या है आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंसी 4 होती है चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है इसे हम कैटिनेशन कहते हैं तो ये कैटिनेशन सॉरी कैटिनेशन कह रहा हूं टेट्रावेलेंसी तो ये टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं लेकिन उन सारे कंपाउंड्स को जो चेन बनती हैं उनको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रेट चेन दूसरा आपके ब्रांच चेन और तीसरी साइक्लिक चेन साइक्लिक चेन ठीक है इसमें क्या होता है जैसे कि अगर एक कार्बन एटम दूसरा तीसरा इस तरीके से ज्वाइंट है इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन लेकिन अगर स्ट्रेट चेन में अगर बीच में किसी भी कार्बन में एक दूसरी कार्बन कहीं से निकल आए पहली और आखिरी को छोड़ के बीच में किसी भी कार्बन में से अगर इस तरीके से कार्बन निकलने लगे तो इसे हम कहते हैं ब्रांच चेन और जहाँ से स्टार्ट हुई है अगर वहीं पे स्टार्ट हुई है वहीं पे ख़त्म हो जाए साइकिल बन जाए इसे हम कहते हैं साइकिल चेन लेकिन बच्चों का ये कन्फ्यूजन है क्या सर ये स्ट्रेट चेन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चे ये भी स्ट्रेट चेन है इसे ब्रांच मत कह देना ब्रांच उसे कहते हैं जिस ब्रांच में पहले और दूसरे कार्बन को छोड़ के बीच वाले कार्बन पे अगर कहीं से अलग से बॉन्ड निकल रही है कार्बन की तो उसे ब्रांच कहते हैं इसमें देखिए पहला ये है दूसरा लास्ट ये है पहले और लास्ट को छोड़ के क्या कहीं से बीच में कहीं कार्बन की ब्रांच निकल रही है नहीं निकल रही है तो ये भी स्ट्रेट चेन कहलाएगी चाहे ऐसे कर दें चाहे ऐसे कर दें ये सब स्ट्रेट चेन है पहले और आखिरी को छोड़ के बीच वाले कार्बन पे अगर निकल रही है तभी वो ब्रांच कहलाएगी नहीं तो स्ट्रेट चेन है ठीक है कि नहीं है अभी आ, ये इस तरीके से बात आई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बोले नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ऐसे कार्बन कंटेन सॉरी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट हो तो हाइड्रोजन हो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मेन एलिमेंट कार्बन तो होता ही होता है कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है ऑक्सीजन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है फलाना निम्फाना दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं कार्बन ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह लेकिन अगर कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन है ना ये yes, सचिन रावत एग्जाम्पल इज बेंजीन इसकी बात हम लोग आगे करेंगे गुड मॉर्निंग जी जी ओके सर ऑर्गेन केमिस्ट्री के रिएक्शन में दिक्कत आती है स्पेशली कन्वर्जन में बेटा आजकल लेक्चर कर लो उम्मीद है कि आपकी एक एक छोटी छोटी दिक्कत सॉल्व हो जानी है और नहीं तो डिटेल लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं स्लो uh, मोशन वाले जिसमें आराम से प्यार से समझाए तो वो लेक्चर्स आप देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आज आपका क्लियर नहीं हो तो हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक है आपके ओपन चेन वाले और एक है साइक्लिक ओपन चेन यानी जहाँ से स्टार्ट हो अलग जगह खत्म हो ओपन चेन और जहां से स्टार्ट हो वहीं खत्म हो जाए क्लोज चेन ओपन चेन वालों को फर्दर डिवाइड किया है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में सेचुरेटेड क्या होते हैं कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड और अगर डबल या फिर ट्रिपल है, नाम दे दिया गया है जिसमें इसकी बात हम आगे करेंगे लेकिन अनसेड वाले डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इसमें डबल बॉन्ड वालों को एल्किस कहा जाता है और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन्स कहा जाता है ये जो फॉर्मूला और लिखा है, इसकी बात हम बाद में करेंगे और ये देखिए साइक्लिक चेन की बात करें साइकिल में ये इस तरीके से है जहां से स्टार्ट हुआ वहीं बंद हो गया तो ये हो जाता है बेंजीन इसकी भी बात हम आगे करेंगे ये ओपन चेन होगा है ओपन चेन ओपन चेन इसमें सिंगल है इसमें डबल है ये क्लोज चेन ठीक है कि नहीं है ओपन चेन वालों को एलिफेटिक कहते हैं क्लोज चेन वालों को एरोमेटिक कहते हैं फिलहाल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे चलिए सबसे पहले बात आ रही है सेचूरेटेड अनसे जो हमें डिटेल में पढ़ना है जो मैंने बताया सिंगल बॉन्ड वाले और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसेचुरेटेड इनमें फ़र्क ये होता है बेटा कि होता ये है, है जहाँ पे कार्बन कार्बन के भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है इसमें से हमेशा जो एक बॉन्ड होती है वो तो स्ट्रांग होती है एक बॉन्ड तो स्ट्रांग होती है लेकिन बची हुई जितनी भी बॉन्ड्स होती हैं वो वीक होती हैं जिसकी वजह से ये वीक होने की वजह से अगर हम रिएक्शन करते हैं इसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बॉन्ड कमजोर होने की वजह से टूट जाती है और रिएक्शन हो जाता है इसमें दो बॉन्ड्स हैं दो बॉन्ड टूट जाती हैं रिएक्शन हो जाता है लेकिन इसमें है ही एक बॉन्ड इसमें ये कंपेरेटिवली ये स्ट्रॉन्गर होती है है ना तो ये इतनी जल्दी नहीं टूटती जितनी जल्दी ये वाली टूट जाती है काली वाली इसके रीजन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाता इसलिए लेस रिएक्टिव है और ये दोनों मोर रिएक्टिव हैं ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाता है ये अंडरगो एडिशन रिएक्शन ये डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं दो नंबर या तीन नंबर में लेकिन इसका क्या मतलब है इसकी बहुत डिटेल करने वाले हम आज के ही लेक्चर में तो चलिए आगे बढ़ते हैं आ, बेटा स्वराजित टाइम पे डिपेंड करेगा मेंटी क्विज इसके बाद होगी या नहीं होगी ठीक है ओके

तो उनका नाम लिखना भी एक टेढ़ी खीर है मतलब उनके नाम कैसे लिखे जाए तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए जिसे हम टेक्निकलेचर कहते हैं जो पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है आईयूपीएसी उसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से उसके रूल्स के हिसाब से दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं यूपेक नेम यूपेक की फुल फॉर्म है जो इंस्टीट्यूट है पैरिस में Upec, उसकी फुल फॉर्म आ सकती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री इसमें क्या रूल्स हैं वो हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार आवाज तो बहुत तेज आ रही है चलो फिर भी और तेज कर दे रहा हूँ नाम पढ़ेंगे ये देखिए ठीक है ना आवाज सही आ रही है मेरे प्यारे बच्चों हल्की तो नहीं आ रही है हाँ जी ठीक है किन बच्चों को नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिए ठीक है ओके रिया ओके ठीक है थीक ओके तो मेरे बच्चे बात आई एल्केन्स ठीक है रिया एल्केन्स में क्या होता है बाबूजी हाइड्रोकार्बन के हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं उसको हम डिवाइड किए हैं एक सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते हैं डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड वालों को एलकाइन कहते हैं होता क्या है लाल इन तीनों के ना कुछ जनरल फॉर्मले लिखे गए हैं जैसे मैं यहाँ दे रहा हूं इसका जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू कहने का मतलब ये कि वो जिसमें एक कार्बन होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एन की वैल्यू वन डाल दें और सी वन हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ वन डालें तो ये एच कितने हो जाएंगे फोर ही अगर दो कार्बन वाला एल्केन करना है तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे टू डाल दें और यहाँ पे टू डालें तो टू टू जो फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा ऐसे ही कार्बन अगर थ्री है तो हाइड्रोजन कितने होंगे जितने भी कार्बन है उसके डबल करो डबल में टू ऐड कर दो डबल करो दो ऐड कर दो डबल करो दो ऐड कर दो डबल करो डबल करो आठ हो गए और दो ऐड कर दो डबल करो और दो ऐड कर दो है ना इस तरीके से हम जनरल फॉर्मूले से ऐसे लिख सकते हैं लेकिन बात आई इसके नाम कैसे लिखे जाएंगे तो नाम के लिए क्या करा गया है आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो उसके नाम की स्टार्टिंग होगी कहां से मिथ से दो हैं तो जल्दी से बता दो. दो तीन चार पांच जल्दी से लिख के बता दो दो हैं तो कहां से स्टार्ट होगी इथ से यह संस्कार और तीन है तो प्रोप से चार है तो ब्यूट से पांच है तो पेंट से इथ मिथ इथ प्रोब्यूट पेंट छह हैं तो हेक्स से लिखते जाओ सात हैं तो हेप्ट से और आठ हैं तो ऑक्ट से नौ हैं तो नॉन से और टेन हैं तो डेक से इसकी स्टार्टिंग होनी है यस बेटा अभव्या रिया बिल्कुल पॉजिटिविटी गीता ठीक है अभी एक बार हम फिर से इसको कर लेते हैं थोड़ा सही से लगा के जगह में ये देखिए ठीक है।, है ना अगर आपका एक कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे इसके डबल के दो ज्यादा डबल के दो ज्यादा डबल के तीन है तो छः से दो ज्यादा चार हैं तो दस इस तरीके से हम किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसी एल्किन्स का जनरल फॉर्मला ये है इसका मतलब कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल कर दो अगर दो कार्बन है दो कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे चार तीन है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे छे चार है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे आठ एंड सो ऑन एल्काइन्स में क्या होगा कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन कितने होंगे उसके डबल से दो कम इसके डबल करो चार और दो कम कर दो डबल करो छ से दो कम कर दो डबल करो आठ आठ से दो कम कर दो इस तरीके से इसके हम फॉर्मुले लिख सकते हैं बोले सर यहाँ नहीं लिखा एक कार्बन वाला क्योंकि बेटा एक कार्बन वाला एल्कीन और एल्काइन होता ही नहीं है एक कार्बन वाला एल्कीन हो सकता है एल्किन एल्काइन नहीं होता क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम दो कार्बन की तो जरूरत है ही है एक सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता हाइड्रोजन से दूसरा कार्बन चाहिए दो कार्बन से ही स्टार्टिंग होती है अब बात आई सर इसके नाम की तो बेटा होता यह है कि इसका नाम लिखते समय स्टार्टिंग तो यहां से होती है लेकिन एंडिंग यहां से होती है अगर एलकेन में सिंगल बॉन्ड है तो एंडिंग उसकी होगी एन से एल्कीन है तो एन से होगी और इसकी आइन से होगी जैसे कि अगर हम कहें इसका नाम क्या होगा तो एक कार्बन है तो नाम की स्टार्टिंग होगी मिथ से और एंडिंग हो जाएगी एन से दो कार्बन है तो नाम की स्टार्टिंग होगी इथ से इसकी प्रोप से इसकी ब्यूट से एंड सो ऑन लेकिन एंडिंग किसकी किससे होगी जब सब सिंगल है तो एन, एन एन तो इस तरीके से नाम बन जाएगा इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे इसका नाम बताओ जल्दी से क्या होगा सी टू एच फोर की स्टार्टिंग जल्दी बताओ यस yes, गीता मौर्य संस्कार मॉन्डल बिल्कुल सही गीता जी बात आई मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग है बिल्कुल संस्कार नहीं संस्कार गलत कह रहे हो स्टार्टिंग होगी इथ से लेकिन एल्कीन है तो एंडिंग हो हो एंडिंग हो हो जाएगी जाएगी से 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 इसकी होगी प्रोप इसका बताओ सी फाइव एच टेन का नाम जल्दी से बता दो सी फाइव एच टेन का यस शिवम पॉजिटिविटी संस्कार सी फाइव एच टेन का नाम क्या होगा पांच है तो किस आ, स्टार्टिंग किससे होगी यस मेरे प्यारे बच्चे स्टार्टिंग होगी किससे पेंट से और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें तो हो जाएगी इन से ये पेंटीन गीता नव। ऐसे इसका नाम बता दो सी एट एच फोर्टीन का डायरेक्ट सी एट एच फोर्टीन में एच कार्बन है तो स्टार्टिंग होगी ऑक्ट से लेकिन ट्रिपल बॉन्ड लगी है इसमें आइन है तो इसकी एंडिंग हो जाएगी आइन से तो इसका हो जाएगा ऑक्टाइन ऐसे इसका क्या हो जाएगा दो कार्बन है तो एथ और एंडिंग हो जाएगी आइन से तो बोले सर ये तो समझ में आ गया मेथे प्रोब्यूट एक दो तीन चार कार्बन के लिए लगना है लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि किसमें सिंगल बॉन्ड है किसमें डबल बॉन्ड है किसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया सी सिक्स एच फोर्टीन तो इसमें सिक्स है तो से ही होगी लेकिन एन होगा ईन होगा या आइन होगा वो हाइड्रोजन के नंबर से पता चलेगी आप ये करिए कार्बन के डबल करिए कार्बन के डबल होते हैं बारह लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ बारह से भी दो ज्यादा है दो ज्यादा तो किसमें ही हो सकते हैं एन में हो सकते हैं यानी ये एन है ऐसी अगर मैं कहूं कि इसका बताइए सी फाइव एच एट का तो बताइए इसका नाम जल्दी से बता दो सी फाइव एच एट का नाम जल्दी से बताओ क्या होगा कौन बता पाएगा कम yes, ऑन जल्दी 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 बहुत जल्दी सूफियन सारी बिल्कुल सही रिया लाइक करिए और आगे बढ़िए जिसने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करिए यस yes, इसका नाम हो जाएगा रिया सही कह रही है पांच है तो पेंट और आपने इसका डबल किया का डबल होता है दस लेकिन हाइड्रोजन जो है दस से दो कम है दो कम यानी माइनस टू वाला एल्काइन है एल्काइन की एंडिंग आइन से होगी इस तरीके से इसका नॉम किया जाएगा ठीक है कि नहीं है तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूले से हम नाम इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है, हाउ टू राइट दिया। लेकिन एक और बात बता दू इसमें तो कैसे करेंगे जैसे कहीं पे लिखा हुआ है हमने लेट से ब्यूट इन लिखा है तो इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे ब्यूट का मतलब चार कार्बन ले लोगे एक दो तीन चार और सब में पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा ही दोगे लेकिन यहाँ पे इन लिखा है बेटा इन का मतलब सिंगल नहीं डबल बॉन्ड होगी और डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि हर जगह डबल बॉन्ड होगी इन लिखा है इसका मतलब सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड होगी वो भी कहा बीच में नहीं या तो सबसे पहले या सबसे आखिरी में कहीं भी लगा सकते हो चलो यहाँ लगा दे रहे हैं यहाँ इन होगी बाकी सब एन होंगे और हाइड्रोजन पूरे कर दो कार्बन के आउटर आउटरमोशन में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे चार शेयरिंग करनी होती है जिसमें से एक ये इधर कर चुका है एक दो तीन हाइड्रोजन से और कर लेगा कार्बन को चार शेयर करने हैं इसने दो तो शेयर कर लिए दो और शेयर करेगा इस वाले ने तीन शेयर कर लिए एक दो तीन तो एक ही और शेयर करेगा इसने दो शेयर कर लिए एक दो तो फिर दो और शेयर करेगा ये इसका स्ट्रक्चर बन गया ऐसे ही अगर पेंट आइन लिखा है तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पांच कार्बन बनाओगे और सबसे पहली जगह आइन बना दोगे बाकी सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगा के पूरे कर दोगे क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो हाँ अगर ये लिखा है आ, जैसे कि पेंट, ऐसे लिखा है पेंट टू आइन हाँ तो बेटा इसका क्या मतलब होगा एक दो तीन चार पांच इसमें नंबरिंग डालोगे वन टू थ्री फोर फाइव टू आयन लग आए, आए लगा दोगे बाकी सारे हाइड्रोजन पूरे करोगे इसमें तीन हाइड्रोजन होंगे क्योंकि एक शेयर हो चुका है तो तीन और होंगे इसमें दो शेयर हो चुके हैं तो दो और होंगे इस वाले ने तो एक से, इधर से तीन इधर से चार शेयर ऑलरेडी कर लिए हाइड्रोजन नहीं होगा इस पे भी तीन इधर से एक इधर से चार शेयर कर लिए एक भी हाइड्रोजन नहीं और पे

कितने कार्बन का डिफरेंस है एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है कोई भी देख लो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का मिला के मास कितना होता है एक कार्बन का होता है जल्दी बताओ एक कार्बन दो हाइड्रोजन का मिला के मास कितना होता है इसका ट्वेल्व इसका टू मिला के फोर्टीन ए एमयू तो आपसे कहा जाएगा कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच मास का कितना डिफरेंस होता है तो आप लिख के आओगे फोर्टीन ए एम यू ये बाला जी बिल्कुल सही तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि होमोलोगा सीरीज की आ, क्या होती है ये देखिए फोर्टीन ए एमयू का डिफरेंस है सी एच टू का डिफरेंस है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली ग्रेजुअली चेंज होती है, है ना जैसे ऊपर से नीचे जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट बढ़ता है एक कार्बन वाला दो कार्बन वाला तीन कार्बन वाले जैसे जैसे नीचे जाएंगे

ओके ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चे आ, ओके थोड़ा स्पीड कीजिए ठीक है ओके ओके यस यस सही है फास्ट ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चे तो बात आई यहाँ पे एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप क्या होता है जैसे बेटा एल्केन होता है एल्केन में से अगर एक एच हटा दें तो उससे जो बनता है उसे हम कहते हैं एलकाइल ग्रुप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका सी एच फोर था सी एच फोर होता है तो बन जाएगा सी एच थ्री तो था मीथेन इससे बन जाएगा क्या मिथाइल ऐसे ही सी टू एच सिक्स ये होता है इथ एन है ना इसमें से एक एच हटा दें तो बन जाएगा सी टू एच फाइव इसे हम कहते हैं इथ से एल्काइल बनता है तो मीथेन से मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे इसके नाम हो जाएंगे हैं तो आगे तक लेकिन आपको सिर्फ शुरुआत के दो याद करने की जरूरत है मिथाइल और इथाइल मिथाइल सी एस थ्री सी थ्री सी थ्री इथाइल सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव फिलहाल नेमिंग ऑफ कंपाउंड विद एल्काइल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल लगा है तो कैसे करेंगे जैसे देखिए अगर हमें इसका नाम लिखना है इस तरीके से यहाँ सी एच थ्री लगा है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच और सी एच इसका अगर हमें नॉमन क्लेचर करना है बेटा तो यहाँ पे फिर अब रूल्स लगना स्टार्ट होंगे पहला रूल ये कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूपे नेमिंग में कि आप इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए कि कहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन अगर देखा जाए तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है कार्बन की ठीक है ना ये लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद जो ब्रांच बच गई उसको देखिए कौन से नंबर पे सबसे लीस्ट पड़ेगी नंबरिंग डालिए इन सारे कार्बनों की नंबरिंग अगर इधर से डालेंगे तो वन टू थ्री फोर थर्ड नंबर पे पड़ेगा और इधर से डालेंगे तो सेकंड नंबर पे ही पड़ जाएगा तो ये जो ब्रांच है जहां से लोएस्ट नंबर पे पड़ेगी उधर वाले एंड से नंबर डालना हम शुरू करेंगे तो ये ऐसे कर दिया आपने चार कार्बन के लिए हो गया यहाँ पे आपका क्या इसका नाम ब्यूट है ना ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन और ये क्या लगा है सीएस थ्री ये मिथाइल लगा है कौन से नंबर पे सेकंड वाले कार्बन पे तो इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल तो इसका हो गया टू मिथाइल ब्यूटेन बोले सर ये भी तो मिथाइल लगे थे CH3, CH3, इसके लिए नहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये मेन चेन में काउंट हो गया है तो एक ही कार्बन का दो दो बार नाम नहीं लिखा जाएगा ये नहीं हुआ था तो इसका अलग से नाम लिखा है तो ये हो गया टू मिथाइल ऐसे ही अगर ये है इसका नाम जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होगा बताइए इसका नाम क्या होगा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री जल्दी बताइए इसका नाम क्या होगा कौन बता रहा है देखते हैं सबसे पहले जल्दी बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनी यस पॉजिटिविटी रिया संस्कार मंडल बालाजीत अब इसका नाम बताइए बहुत जल्दी से यस कमॉन जी बेटा जल्दी बताइए यस थ्री फोर फोर मिथाइल पेंटेन संस्कार मंडल बेटा सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो ढूंढेंगे वो ये आई लेकिन इसमें आपने देखा इधर 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 से 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 नहीं numbering से डालेंगे तो तो क्योंकि पहले पड़ रही है है तो इसका five के लिए हो जाएगा डालने तो, तो तो पड़ेंगे और तीन मिथाइल है तो लगेगा ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल पेंटेन नंबर और लेटर के बीच एक डैश लगाएंगे और नंबर नंबर के बीच कॉमा लगाएंगे ये बहुत जरूरी है टू टू थ्री ट्राई मिथाइल पेंटेन यस दो होते तो डाई लगाते चार होते तो ट्राई लगाते ऐसे ही अगर यहाँ पे एक आपको रूल और नया बता दूँ इस तरीके से अगर कोई कार्बन इस तरीके से है यहाँ पे सी एच थ्री लगा है यहाँ पे सी टू एच फाइव लगा है तो बताइए इसका नाम क्या होगा जल्दी से बताइए इसका नाम क्या होगा जी इसका नाम क्या होएगा जल्दी बताइए यस गीता मौर्य सही अश्विन रिया इसका नाम बताइए अब जल्दी से क्या होएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यहां बना देता हूं नंबरिंग ऑब्वियसली इधर से डालेंगे क्योंकि पहले पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाम की बात आई तो इसमें छः के लिए बनेगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है बनेगा एन हेक्सेन तो हो ही गया लेकिन ये बच गए है ना तो अभी ये है बिल्कुल बेटा थोड़ा सा अभी ना गलत कर दिए हो गलत बेटा ये मिथाइल है और ये मिथाइल नहीं है भाई ये इथाइल है ये इथाइल है ये मिथाइल है ये मिथाइल है, है, है वो तो इथाइल है तो ध्यान करिए जरा ट्राई मिथाइल नहीं होगा अच्छा कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि टू पे और थ्री पे मिथाइल है तो टू कॉमा थ्री दो हैं तो दो लिख देंगे डाई ठीक है ना और थ्री पे इथाइल है तो थ्री पे इथाइल लिख देंगे ऐसे करके लेकिन ये गलत हो जाएगा यहाँ रूल ये है कि सब्सिट्यूएंट जो तो लगे होते हैं ब्रांचेस में मिथाइल और इथाइल उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है मिथाइल का एम और इथाइल के ई में से ई पहले आता है तो इसके नाम में ई वाला पार्ट पहले होगा थ्री पे इथाइल लिखोगे थ्री इथाइल और फिर टू और थ्री पे कौन है टू और थ्री पे डाई मिथाइल ऐसे लिखोगे ठीक है नहीं है और फिर वही हेक्स एन ओके है कि नहीं है इसका नाम होगा थ्री इथाइल टू, टू टू डाई मिथाइल हेक्सेन तो बिल्कुल सही बालाजी सही बताए हैं भव्या बिल्कुल सही बताई है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है बात आई बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक बन जाएगा अगर किसी ने डिटेल नहीं करी है और एग्जाम्पल्स करना है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट में से नॉमन का कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों की प्रिपरेशन और फास्ट करने के लिए फिजिक्स ब्रू ऐप पे ये तीन बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलते हैं हाथ के हाथ आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे चेक होके आपको रैंक जाएगी पूरा सही गलत आंसर जिसमें आपको केमिस्ट्री में मिलते हैं 1500 प्लस और फिजिक्स में मिलते हैं सिक्सटीन हंड्रेड प्लस क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है प्लस आपकी ये हिस्ट्री सिविक्स चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टेस्ट भी हैं ये आप ले सकते हैं ओनली अट रुपी वन इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज हिस्ट्री सिफिक जोग्राफी की आपको प्रीवियस टेन ईयर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पे विद सोल्यूशन कम्प्लीट सोल्यूशन एंड दैट टू ऑल सब्जेक्ट फ्री ऐप डाउनलोड करके सबसे ऊपर आपको मेन्यू सेक्शन में स्टडी मटेरियल मिलेगा वहां पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी और ये वाले जो हैं ये कोर्सेज सेक्शन के अंदर मिलेंगे होम पेज पे सबसे नीचे फिलहाल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे बात आई नॉमिन क्लेचर विद फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे इथर ग्रुप नहीं करना संस्कार मंडल ईथर ग्रुप नहीं करना ठीक है सिलेबस में नहीं है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जैसे चार हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं कार्बन पे अगर चार में से एक हाइड्रोजन हट जाए और तीन ही रह जाए और इसकी जगह फिर कोई और ग्रुप आके लग जाए जैसे सी एल आ जाए या ओ OH एच आ जाए या कुछ और आ जाए तो कोई भी एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर किसी हाइड्रोकार्बन पे आके लगता है तो इससे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो ये सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज डिसाइड करे उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ऑब्वियसली अगर ये कोई एटम्स अगर इस पे आके लगेंगे तो पहले तो इसका नाम मीथेन था अब तो मीथेन नहीं रहेगा ना अब क्या नाम हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप लगने की की वजह से तो अब हम फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप करने जा रहे हैं अगर लगे हैं तो फंक्शनल ग्रुप कई तरीके के होते हैं जिसमें सबसे पहला आ रहा है आपका हेलाइट ग्रुप ठीक है हेलाइट ग्रुप क्या होता है Halogen वाला फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर कहीं पे लगा जैसे इस तरीके से है ये लीजिए पे इस तरीके से अगर क्लोरीन आके लग जाए क्लोरीन आके लग जाए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चेन ढूंढते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे सिर्फ एक की है एक के लिए इसका नाम होगा मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन और ये क्लोरीन लगाए तो बस इसके नाम से पहले हम लिख देंगे क्या क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन इसका ध्यान रखना ये स्पेलिंग बहुत तमीज से सही से दिखाई देनी चाहिए क्योंकि अगर स्पेलिंग में ज़रा से भी गलती हुई तो ज़ीरो मार्क्स मिल जाएगा ब्रोमीन होती तो ब्रोमोमीथेन आयोडीन होती आयोडोमीथेन क्लोरोमीथेन फ्लोरोमीथेन इस तरीके से लग जाता अगर यहाँ पे इस तरीके से है ये लीजिए इसका नाम बताइए क्या होगा इसका नाम बताइए जल्दी से क्या होगा बहुत ही सिंपल जल्दी बताइए इसका नाम क्या होगा संस्कार इसका नाम हो जाएगा दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है इनके बीच एन और ब्रोमीन लगाए तो हो गया इब्रोमो इथिन बिल्कुल सही स्वराजित भव्य लेकिन अगर बहुत सारे इस तरीके से ये लगे हैं यहाँ पे क्लोरीन भी लगा है ब्रोमीन भी लगा है ठीक है ना ये लीजिए और यहाँ पे आयोडीन भी लगा है ठीक है ये लीजिए इस तरीके से हमने ले लिया ये लीजिए आयोडीन बताइए इसका नाम क्या होगा इसका नाम बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये मिल गई है आपको नंबरिंग डालेंगे ऑब्वियसली इधर से डालेंगे क्योंकि इधर से वन टू नंबर पे ही पड़ जाएगा जबकि इधर से नंबर पे पड़ता तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव के लिए क्या होगा जल्दी से मेरे लिखने से पहले नाम बता दीजिए फाइव के लिए हो जाएगा आपका पेंट पैंट एन ठीक है ना सब सिंगल बॉन्ड है बच गए एक दो तीन चार फंक्शनल ग्रुप बच गए इनको भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन में से कौन पहले आएगा भाई स्वराजित सी नहीं आएगा बी आएगा पहले तो बी का लिखेंगे ब्रोमीन दो जगह है तो थ्री पे भी है ब्रोमीन और थ्री पे भी है थ्री थ्री डाई ब्रोमो ब्रोमीन पहले लिखेंगे फिर सी आएगा टू क्लोरो और फिर यहाँ बीच में ही लिखेंगे जगह नहीं है आ, टू पे ही आइडो लगेगा ठीक है कि नहीं है टू आइडो पेंटिंग ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सभी थ्री थी डाइब्रोमो टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात आई हाइड्रोक्सिल या फिर एल्कोहल ग्रुप एल्कोहल ग्रुप की जो एंडिंग होती है बेटा वो ओल से करते हैं अगर कहीं पे भी ओ एच लगा हुआ है ओ के साथ उसी ओ पे एच लगा हुआ है तो उसे हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सी है इस पे तीन एच लगे हुए थे इसमें एक यहाँ पे एच हटके ओ OH एच आ जाए ये इस तरीके से तीन एच लगे थे और यहाँ पे दो कार्बन हो जाए इसमें दो एच और इसमें एक ओ OH एच आ जाए तो इसे हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं इसको कंडेंस करके अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री ओ एच इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच या फिर सीधे से मिला के सी टू एच फाइव ओ एच इसका अगर हम यूपे नेम की बात करें तो यूपेक नेम में एक कार्बन है तो होगा मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन लेकिन ई हटेगा और ई e हटके एंडिंग हो जाएगी किससे ओल से तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन ओल लेकिन बेटा जो ई हटता है उसका भी एक रूल है ई मीथेन का सिर्फ तभी हटेगा जब उसका अगला लेटर वॉबिल है अगर वॉबिल नहीं है तो ई नहीं हटेगा जैसे यहाँ पे दो कार्बन है तो हो जाएगा एथ सिंगल बॉन्ड है एन और ई e हटके एल्कोहल ग्रुप का all. ये तो इसके इसके यूपेक नेम राधिका जल्दी से कॉमन नेम भी मुझे टाइप करके बता दो गीता मौर्य सही कॉमन नेम कॉमनली किस नाम से बुलाए जाते हैं ये कॉमन नेम जो हम लिखते हैं तो ये देखिए सी एच थ्री के लिए लिखेंगे मिथाइल और कौन सा ग्रुप है ये एल्कोहल तो इसका नाम हो जाएगा मिथायल एल्कोहल ऐसे ये है सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव होता है इथाइल और ग्रुप कौन सा है एल्कोहल तो इथाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा जो शराब पी जाती है बेटा एल्कोहल जिसे हम कहते हैं एल्कोहल तो बहुत सारी होती है मीथेनॉल इथेनॉल इसके आगे भी होंगी प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल लेकिन ड्रिंकेबल कौन सी होती है जल्दी से कोई बता सकता है कौन सी ड्रिंक कर सकते हैं यस स्मार्ट स्टडी यस राधिका इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल ही ड्रिंकेबल होती है जैसे मिथेनॉल नहीं पीनी है क्योंकि ये पॉइजनस होती है फिलहाल नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है यस नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है की टोन करना है बेटा नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड में क्या होता है एक कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा है तो ये होता है सी ग्रुप जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं जिसकी एंडिंग अल से होती है अल्कोहल की ऑल से इसकी अल से ये लीजिए c डबल बॉन्ड oh इधर c डबल बॉन्ड oh इधर इधर अगर h लगा दें तो देखना है इसका नाम h की बजाय सी लगा दें तो इस पे 3 h लगे होंगे तो देखना ये दो कार्बन वाला हो गया ये एक कार्बन वाला कंडेंस करें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं hcho इसे कंडेंस करें तो ch3cho इसके नाम की स्टार्टिंग एक कार्बन है तो इथ से होगी सॉरी गलत बोल दिया एक कार्बन है तो मिथ से होगी मिथ से होगी और इसकी दो कार्बन है तो इथ से होगी जल्दी से यूपेक और कॉमन दोनों नेम्स टाइप करके बता दीजिए इथ से होगी मिथ से होगी मिथ के बाद एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और ई हटके लग जाएगा अल मीथेन अल ऐसी इथेन सिंगल बॉन्ड है एन लगेगा और इ हटके लग जाएगा अल

ओ के साथ अगर एच लगाओ तो एलडीहाइड लेकिन ओ के साथ इस कार्बन पे अगर ओ OH एच लगा हो तो ये बन जाता है सी ओ ओ एच जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं जिसकी एंडिंग ओ एक एसिड से होती है ओ एक एसिड जिसमें अगर हम पहला देखें एग्जाम्पल तो c डबल बॉन्ड o और oh ठीक है ना यहाँ h लगा होगा या c डबल बॉन्ड o और oh यहाँ पे लगा होगा c c है तो तीन h होंगे बेटा इसको कंडेंस करके लिखें तो ये बन जाएगा hcooh और ये बन जाएगा ch3cooh कंडेंस करके इसके IUPAC नेम में एक कार्बन यहाँ दो कार्बन तो इसका होगा मिथ इसका होगा एथ एंडिंग होगी एन In, लेकिन ई e हटेगा और ई e की जगह आ जाएगा एसिड एसिड -E 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 e -E -E एक, एक, तो तो एक एसिड एक 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 इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं बात समझ पा रहे हो ये बेटा स्मार्ट चौराजित स्टडी टाइम बहुत बढ़िया क्या कहते हो आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं कीटोन बेटा जी अगर हम देखें तो सिलेबस में है या नहीं है एक बार हम फिर से रीवेरीफाई कर लेते हैं ये देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपके लिखे हुए हैं ये फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं कहाँ गए सिंपल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कोहल एलडीहाइट कार्बोक्सिलिक है ना देखो यहाँ पे कीटोन नहीं लिखा है तो हमने कीटोन नहीं करना है जस्ट लीव द कीटोन ठीक है कीटोन नहीं करने हैं तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे ठीक है अभी ये हमारा हो गया इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाते हैं यहाँ पे ये लीजिए जैसे बताइए जल्दी से मुझे जिसका मैं टिक लगा रहा हूँ उसका मुझे बताएंगे आप जैसे मुझे बताइए इसका और इसका लिखिए डी का क्या आंसर है और एफ का क्या आंसर है बाकी जितने भी हैं डी के बाद इस लाइव स्ट्रीम के, के बाद सारे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर ए का ये है बी का ये है अभी सिर्फ इन दोनों के बताइए जल्दी से हां जी यस अनिकेत बेटा बिल्कुल संस्कार बेटा वो आप जो बता रहे हो कॉमन नेम बता रहे हो और कॉमन नेम भी गलत है आइसोबेंटेन नहीं है वो पेंट आई, आईजोनियो लिखते हो तो सारे एक साथ गिने जाते हैं टोटल कार्बन यहां यूपेक नेम लिखना है आपको यस yes, यस yes, इसका हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वन टू थ्री फोर फाइव टू टू डाइ मिथाइल पेंटेन बिल्कुल सही इसका बताइए टू टू डाई मिथाइल पेंटेन के बाद गीता पॉजिटिविटी भव्य बिल्कुल सही स्टडी टाइम हाँ जी जल्दी बताइए यस yes. क्या बता रहे हैं जी ओके लेट सी यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा ये कुछ बच्चे कह रहे हैं ये बनेगी गलत लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी ये भाई ये मोड़ भी सकते हैं जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो मोड़ भी सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन गई एक दो तीन चार की और यहाँ से नंबरिंग इधर से शुरू होगी क्योंकि इन इधर पहले पड़ रहा है ये नहीं देखेंगे इन, इन पहले देखेंगे वन टू थ्री फोर फोर के लिए हो जाएगा बच्चे पै, आ, ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड है तो इन कहाँ पे वन पे वन पे इन है बच गया ये ये क्या है मिथाइल किस पे लगा है थ्री पे तो इसका नाम होगा थ्री मिथाइल ब्यूट इन या थ्री मिथाइल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं वन आप ओमेट कर सकते हैं रूल कहता है अगर कोई भी चीज वन पे लगी है तो उसका नंबर ना लिखे तो भी अंडरस्टूड है कि वो वन पे है तो ब्यूटीन भी लिख सकते हो आप इसे यस yes, बेटा संस्कार इन कौन कह रहा है, oh, है जल्दबाजी में ये आइन है आइन 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 है ट्रिपल बॉन्ड है आइन होगी यस ठीक है थ्री मिथाइल ब्यूटीन नहीं भव्या आइन है ओके okay. फिर मुझे बताइए जल्दी से नाम किसका बताओगे आप नाम बताओगे मुझे एच का और के का एच का और के का बताओ और एल का बताओ जल्दी बताओ एच के एल एच के एल जी जल्दी बताइए एच के एल कमान यस भैया लाइक किए हो कि नहीं किए हो लाइक नहीं किए हो तो पहले लाइक करो और फिर आगे बढ़ो जल्दी लाइक करो सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ जाओ एन जी कोई है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी इसकी ये भाई देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन के लिए हैप सिंगल बॉन्ड है सब में एन और नंबरिंग इधर से डालेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट 1 2 3 पे पड़ेगा इधर से डालेंगे 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी ठीक है थी 3 पे मेथाइल है तो इसका नाम हो गया 3 मेथाइल हेप्टेन ये सही से तमीज से लिखना है ये जीरो मिलेगा ई नहीं लिखा है आपने प्रॉपर देखना चाहिए हेप्टेन है, ये है 3 अनिकेत राधिका बिल्कुल सही अनिकेत स्मार्ट स्टडी गलत ठीक है ऐसे इसका बताओ इसमें बेटा ये देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बनी नंबरिंग क्योंकि ग्रुप इधर है इधर से ही डालेंगे इसको ही प्रेफरेंस दी जाती है जिधर भी फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स के लिए हो जाएगा सिक्स के लिए हो जाएगा आपका ई e, e हटेगा ई e की जगह क्या आएगा कौन सा ग्रुप है अल और और है फाइव और फाइव पे मिथाइल लगाए तो फाइव फाइव डाई मिथाइल डाई मिथाइल हेक्सेन अल बात समझ गए कि नहीं समझ गए जी बेटा तो एक ये और बता दो फाइनली ये वाला इसके लिए क्या नाम होगा पांच है एक दो तीन चार पांच इधर से होगी पांच के लिए पैंट सिंगल बॉन्ड एन और ई हट के ओल लग जाएगा गलत ओल कौन से नंबर पे है क्या फर्स्ट पे लगा है नहीं फर्स्ट पे लगा होता है तो आप वन ना भी लिखे चलेगा लेकिन ये सेकंड पे लगा है तो आपको लिखना पड़ेगा पैंट एन टू ओल ठीक है पेंट टू ओल लिखना पड़ेगा ओके okay, ऐसे ही इसमें अगर आप देखें तो नंबरिंग इधर से ये वाला वैसे इधर किए थे इसी तरीके से होगा वन टू थ्री फोर फाइव फोर पे लगाए मिथाइल और वन पे लगाए ओ एक तो फोर मिथाइल पेंटेन एन ओ एक एसिड पेंटेन एन ओ एक एसिड ठीक है समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिटेल लेक्चर्स में किए हैं फिलहाल इसमें ये ऐसे पूछे जा सकते हैं ये क्या है एच सी एच ओ एच सी एच ओ यानी एक कार्बन है सी एच ओ यानी अल, मीथेन, अल. ऐसे ये पूछा जा सकता है दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड एन और कौन सा ग्रुप है सीओ एच लगा है डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ एच लगा है तो ओ एसिड हो गया इथ एन ओ एक एसिड ऐसी दो कार्बन है तो इथ एन ये लगा अल इथ एन अल ये क्या हो गया वन टू वन टू आइसोमर्स क्या होते हैं क्या होते हैं? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं आइसोमर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ चेन और पोजीशन आइजोमर्स हैं ये क्या होते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं जैसे सबसे पहली बात आई चेन आइजोमर्स ठीक है ना जैसे कि आप ये देखिए कि ये लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इसका आपका किससे ब्यूटेन से ब्यूटेन जो होता है बेटा उसमें चार कार्बन होते हैं चार कार्बन ऐसे भी लगे हो सकते हैं चार कार्बन ऐसे भी लगे हो सकते हैं, हो सकते हैं। है ना तो अगर ऐसे लगे हैं तो इसमें हाइड्रोजन पूरे करिए इसमें तीन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रो तीन हाइड्रोजन एक हाई, तीन हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन इसका मोलिकुलर फॉर्मुला देखिए टोटल टोटल कार्बन एक साथ लिख दीजिए टोटल हाइड्रोजन एक साथ लिख दीजिए तो उसे हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं इसमें चार कार्बन है और दस हाइड्रोजन है तो ये देखिए सेम मॉलिकुलर फॉर्मुला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसे हम आइसोमर्स कहते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या, है? है, क्या? जिसकी चेन अलग हो. इसकी चेन है इसकी चेन ऐसी है, चार की है इसकी तीन की है तो इसके नाम लिखने को आ सकता है ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं जिसमें ऊपर वाले का नाम हो गया आपका चारों एक साथ लगे हैं एक के बाद एक तो ये हो गया ब्यूट एन है ना इसका क्या हो गया तीन कार्बन लगे हैं तो प्रोपेन टू पे मिथाइल लगा है तो इसका नाम हो गया टू मिथाइल प्रोपेन लेकिन इसके कॉमन नेम भी है कॉमन नेम की अगर बात करें तो सारे कार्बन एक साथ हैं तो उसमें लगता है एन पेंट एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन सारे कार्बन जब हम कॉमन नेम लिखते हैं तो सारे कार्बन एक साथ गिनते हैं उसमें भी चार इसमें भी चार तो इसका नाम भी ब्यूटेन होगा लेकिन उसमें एक साथ है लाइन में तो एन इसमें सेकंड वाले पे एक मिथाइल निकला हुआ है तो इसके लिए लगेगा आइजो अगर सेकंड वाले पे दो निकले होते तो उसके लिए वर्ड लगता नियो एक मिथाइल निकला हुआ है सी निकला हुआ है तो उसके लिए आइजो ठीक है कि नहीं है तो ये तो हो गए आपके चेन आइजोमर्स है ना अब बात आई पोजीशन आइसोमर्स पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप जिसमें चेंज हो जैसे कि

जिनका मॉलिकुलर फॉर्मला सेम हो बट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पोजिशन ऑफ सब्सिट जैसे लगा लगा है, यहां लगा है, ये हो position, तो उसे हम कहते हैं position isomers. Two, pentanol, three, pentanol. Okay, नहीं है के isomers मैंने बना दिए ऐसे ही बताओ पेंटेन के आइजोमर्स कितने होते हैं ब्यूटेन के दो आइजोमर्स होते हैं ब्यूटेन आइजोब्यूटेन पेंटेन के तीन आइसोमर्स होते हैं एन पेंटेन आइसोब्यूट पेंटेन और नियो पेंटेन इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए ठीक है बेटा अनिकेत रेडियो एक्टिविटी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ऐप पे जिस कोर्स में आप एनरोल हुए हो ठीक है ओके एल्केन एल्कीन एल्काइन एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देख लीजिए आप यस बच्चे बात आई सब्सटीटूशन रिएक्शन क्या होते हैं ये जितने भी एल्केन्स एल्केल्किन एलकाइंस होते हैं हाइड्रोकार्बन ये वाले अनसेड या तो ये सब्सटीटूशन रिएक्शन दिखाते हैं ये एडिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये इस तरीके से ये कोई एल्केन है अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो होता ये है इसमें से एक एच हट जाता है उसकी जगह एक क्लोरीन आके लग जाता है

ऐसा नहीं होता कि एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ गया बल्कि क्या होता है जैसे ये डबल बॉन्ड है इसमें दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं ये लीजिए इस तरीके से लगे हुए हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम इसे क्लोरीन रिएक्ट कराएं तो होता ये है कि यहाँ पे यह जो न, ये जो बॉन्ड है ना ये टूट जाती है और ये टूटने की वजह से डिटेल अभी आगे करूँगा यहाँ दोनों जगह क्लोरीन आके लग जाता है

आ, ये भाई सही हो जा तेरे तो ये भाई अब सही हो जा है मेरे प्यारे तो चलिए जरा मुझे बताइए मीथेन विद क्लोरीन तो क्या बनेगा बताइए मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा मीथेन विद क्लोरीन के साथ पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा ये रिएक्शन हमें यहाँ पे यही लिखनी है ठीक है, बेटा प्रायोरिटी की जो बात कर रहे हो सौराज्य साहब बिल्कुल मैं बताता लेकिन जो बोर्ड है ना बोर्ड में कहा गया है कंपाउंड जो आएंगे वो सिंगल फंक्शनल ग्रुप के साथ आएंगे ऐसा नहीं आएगा कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में आ जाए ठीक है सो उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल ये लीजिए देख लीजिए मेरे प्यारे बात आई यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन मीथेन जो होता है बेटा ये होता है अगर हम इसे क्लोरीन से रिएक्ट करें तो होता ये है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटती है तीन हाइड्रोजन रह जाती हैं और उसकी जगह एक क्लोरीन आ जाती है और जो हाइड्रोजन हटती है वो इस सी के साथ चली जाती है एच बन जाता है लेकिन ये यह रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं ये जो सी एच थ्री सी एल है ये सी एच थ्री सी एल फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटता है सी एच टू रह जाते हैं और एक सी एल बढ़ के एक सी एल की बजाय दो सी एल फिर से वही एच सी एल फिर से ये जो सी एच टू सी एल टू है ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है एक एच यहाँ से हटता है सिर्फ एक रह जाता है और एक सी एल बढ़ जाता है प्लस एच सी एल फिर से ये सी एच सी एल थ्री आता है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है एक एच जो बेचारा बचा है वो भी हट जाता है और सारे के सारे सी एल हो जाते हैं चार सी एल हो जाते हैं प्लस एच सी एल तो ये एडिशन ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है जिसमें इसका नाम है मोनो इसका मीथेन ये एक कार्बन है मीथेन और एक क्लोरीन है क्लोर तो क्लोरोमीथेन डाईक्लोरोन टेट्राक्लोरोन सॉरी ट्राईक्लोरोन टेट्राक्लोरोन कोई बोलेगा अरे सर ये मीथेन तो नहीं है इसमें तो एक ही कार्बन है हाइड्रोजन तो है ही नहीं मेरे प्यारे जब हम यूपेक नेम लिखते हैं तो हाइड्रोजन नहीं गिनते हैं कार्बन देखते हैं एक कार्बन है तो मिथ लगेगा हाइड्रोजन चाहे कितने भी हो एक कार्बन है तो यहाँ भी मिथ यहाँ भी मित यहाँ भी मैथ यहाँ भी मिथ तो इसका नाम है मिथ सिंगल बॉन्ड है एन लेकिन चार क्लोरीन लगे हैं तो टेट्रा क्लोरो मीथेन बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो हैं जी ठीक है लेकिन ये रिएक्शन किसी की प्रेजेंस में होती है बताओ किसकी प्रेजेंस में होती है जल्दी से ये रिएक्शन किसी की प्रेजेंस में होती है किसकी प्रेजेंस में होती है बताइए जल्दी से हाँ जी चलिए बताते जाइए आगे बढ़ रहे हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन इथेन की जल्दी से लिख दीजिए इथेन होता है आपका सी टू एच सिक्स इसमें ऐसे ही कर दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में अगर इसकी हम क्लोरीन से करें क्लोरीन से भी कर सकते थे ब्रोमीन से कर सकते थे चलो आपकी वह ब्रोमीन से करते हैं ब्रोमीन से करें तो एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा पांच रह जाएंगे और एक ब्रोमीन आ जाएगा वहां क्लोरीन आया था या ब्रोमीन फिर से क्लोरीन के ब्रोमीन के साथ करेंगे तो यहाँ पे सी टू एच एक के कम करते जाओ और ब्रोमीन बढ़ाते जाओ ठीक है यहाँ पे फिर से ब्रोमीन के साथ एक एच कम कर दो सी टू एच थ्री और ब्रोमीन एक बढ़ा दो फिर से ब्रोमीन के साथ एक एच कम कर दो सी टू एच और एक ब्रोमीन बढ़ा दो फिर से बी आर टू के साथ एक एच कम कर दो और एक ब्रोमीन बढ़ा दो फिर से ब्रोमीन के साथ एक एच कम कर दो और ब्रोमीन बढ़ा के सिक्स कर दो तो तो फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया इसका नाम क्या होगा का? दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है एन और ब्रोमीन है तो हेक्सा ब्रोमो इथेन। बात समझे कि नहीं समझे यस yes, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है बिल्कुल सही अभिनव एंड पॉजिटिविटी इन गीता है ना डिफ्यूज सनलाइट चलिए आगे बढ़ते हैं बात आई एडिशन रिएक्शन अभी हमने पढ़े थे सब्सिट्यूशन रिएक्शन अब बात आ रही है एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन क्या होता है जैसे इथिन है इथिन का फॉर्मूला ये होता है है ना अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं इसे तो होता ये है कि बॉन्ड टूट जाती है मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना डबल में से एक बॉन्ड वीक होती है तो जैसे ही हाइड्रोजन आएगा वो उसे अटैक करेगा एक बॉन्ड टूट जाएगी हाइड्रोजन दो लगे थे दो लगे थे बॉन्ड टूटेगी तो इस कार्बन की अब कितनी बॉन्ड्स फुलफिल हो रही हैं सिर्फ तीन हो रही हैं जबकि कार्बन चार शेयर कर सकता है यहाँ तो सिर्फ तीन शेयर कर रहा है तो एक एक इसको शेयर करने की और जरूरत पड़ेगी तो जो दो हाइड्रोजन आएंगी क्या करेंगी भाई खाली थोड़े ना बैठी रहेंगे तो सी टू एच फोर से आपका बन गया सी टू एच सिक्स इधेन से बन गया आपका यहाँ पे आइन बात समझे कि नहीं समझे ये रिएक्शन भी किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है हाँ या ना हाँ तो कौन सी कैटलिस्ट स्वराजित <स्याग> अगर क्वेश्चन आया कि मीथेन प्लस क्लोरीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे बेटा अगर एक नंबर में है तो सिर्फ एक रिएक्शन वाला सिंगल प्रोडक्ट लिख दोगे और दो मार्क्स में है तो सारे स्टेप्स के साथ सारा आप लिखेंगे ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही निकिल कैटलिस की प्रेजेंस में होती है अभिन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजनेशन हेलोजन कर रहे हैं अगर ये लीजिए हेलोजन कर रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी इसमें अगर हेलोजन जैसे क्लोरीन कर दिया तो ये लीजिए बॉन्ड जब टूटेगी यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए ही थे दोनों जगह क्लोरीन आ जाएगी इसका नाम हो जाएगा वन टू डाइक्लोरोन इसे हम हेलोजिनेशन कहेंगे है ना क्लोरीन ऐड करेंगे हेलोजिनेशन हाइड्रोजन ऐड करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऐसे ही वाटर ऐड करेंगे हाइड्रेशन एच ऐड करेंगे तो क्या होगा जैसे ये लीजिए डबल बॉन्ड सी है है ना इसमें एच लगाता एच लगाता एच लगाता एच लगाता सी डबल बॉन्ड सी है एच लगाता एच लगाता एच लगाता एच लगाता अगर वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वाटर में एच और ओ एच होता है एच सी एल करेंगे तो यहाँ एच और सी एल होता है वाटर ऐड करेंगे तो बॉन्ड टूटेगी एक जगह एच आ जाएगा एक जगह ओ एच आ जाएगा एच सी एल के साथ करेंगे बॉन्ड टूटेगी एक जगह एच आ जाएगा एक जगह सी एल आ जाएगा ठीक है कि नहीं है मतलब बॉन्ड टूटेगी दो एटम्स आके लगने हैं लगनेट्यूशन में एक हटेगा दूसरा आके लगना है ठीक है ये पूरा करेंगे अपने आप ठीक है ये हाइड्रोजनेशन के साथ ठीक है अच्छा अब ये हेलोजन के साथ है बेटा क्या होता है हेलोजन के साथ जब करते हैं तो क्लोरीन जब भी हम रिएक्ट करा रहे हैं बेटा तो सी सी एल फोर के साथ रिएक्ट कराएंगे हेलोजन ब्रोमीन करा रहे हैं तो सीबीआर की प्रेजेंस में कैटलिस्ट है आयोडीन अगर आपको ऐड करानी है तो एल्कोहल की प्रेजेंस में कराएंगे नेक्स्ट बात है कम्बशन मतलब जितने भी ये हाइड्रोकार्बन है, है जितने भी हाइड्रोकार्बन है अगर इन्हें जलाएं कंबशन करें तो क्या होगा बेटा क्या होता है लाले जैसे सी एच फोर है चाहे सी एच फोर हो जाए चाहे सी टू एच सिक्स हो जाए चाहे सी टू एच फोर हो जाए चाहे सी टू एच टू हो जाए इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इथाइन इथिन कुछ हो जाए अगर हम इसे जलाएंगे तो जलाने में ऑक्सीजन ही चाहिए होगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा बेटा तो हमेशा दो ही चीजें बनेंगी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हीट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हीट लेकिन ये तब बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे सफिशियंट सप्लाई है ऑक्सीजन की काफ़ी ज्यादा सप्लाई है तो सीओ टू बनेगी एंड फ्लेम एंड द गैस बर्न्स विद ब्लूइश फ्लेम क्योंकि वो पूरी तरीके से जल जाएगी अच्छी सप्लाई में तो ब्लू फ्लेम बनाएगी लेकिन अगर सप्लाई कम है ऑक्सीजन की लेट से सी एच फोर है उसमें हमने ऑक्सीजन की लेस सप्लाई ले ली तो बेटा सी ओ टू नहीं बनेगा सी ओ बनेगा और सी ओ बनेगा और यहाँ पे हीट तो बनेगी लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से जो कार्बन थी मीथेन की वो पूरी तरीके से जल नहीं पाएगी अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स फ्लेम में ऊपर आएंगे जिसकी वजह से वो फ्लेम ब्लू की बजाय थोड़ी येलोइश ऑरेंजिश कलर की हो जानी है मेन सीओ और वहां पे सीओ और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो बहुत कम हो तो सीओ भी नहीं बनेगा सिर्फ सी बनेगा प्लस एच ठीक है कि नहीं है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की जो बात है हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मीथेन इथेन का इसका कंबेशन सब्सिट्यूशन जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये हम ऑलरेडी मीथेन, इथाइन सब पढ़ चुके हैं मीथेन जो होता है वो सी एच फोर होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जैसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना 109.5 डिग्री का एंगल होता है इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है सी इथन का इथिन का सी टू एच फोर का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ऐसा और एथाइन का C2H2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन ठीक है यहां 121.3 डिग्री का होता है या 180 डिग्री का एंगल होता है फिलहाल बात आई कि एल्केन्स को पैराफिंस क्यों कहते हैं लाला प्रिपरेशन आने वाली है बेटा सौरज्य नमस्ते कुशआख मौर्य कैसे हालचाल यस राधिका बिल्कुल तो बात आई मेरे बच्चे यहां पे कि एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं बेटा पैरा का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी एफिन्स का मतलब एफिनिटी लिटिल मतलब लेस रिएक्टिव ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं कंपैरेटिवली रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं ऑर्डनरी कंडीशन में इसलिए पैराफिन्स कहते हैं लेकिन एल्किन्स को ओलेफिनस कहते हैं ओलेफिंस का मतलब क्या होता है बेटा ऑयल फॉर्मिंग ये जो होते हैं इसके लोअर मेंबर्स एल्किन के कम कार्बन वाले जो मेंबर्स होते हैं दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन या ब्रोमीन ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्लोरीन ब्रोमीन के साथ इसलिए इन्हें ऑयल फॉर्मिंग ओलेफिन्स कहते हैं एल्किन्स को ओलेफिन्स एल्केन्स को पैराफिन्स कह रहे हैं इसके ट्रिवियल नेम बताओ ट्रिवियल यानी कॉमन नेम तो आप देखो ये मीथेन होता है सी एच फोर है यहाँ पे ठीक है इथिन C2H4 और C2H2 इसका वैसे नेम होता है मीथेन ईथीन इथाइन लेकिन कॉमनली इट इज नोन एज मार्श गैस मार्श गैस ईथीन का क्या होता है एथाइलीन एथाइलीन और इसका क्या होता है एसिटाइलीन बेटा ये रटने हैं एसिटाइलीन इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलीन एथिलीन एथाइलीन और मार्श गैस ठीक है बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं एल्केन्स का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया ये लीजिए प्रिपरेशन की बात हम करने वाले हैं यहाँ पे इस बार इसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी है पूरी ठीक है ना लेट्स से क्या कैसे करनी है प्रिपरेशन देखिए मेरे बच्चे सोडियम इथेन सोडियम इथेन देखिए सबसे पहले मीथेन और इथेन की प्रिपरेशन करनी है बेटा <coughs> मीथेन और इथेन की प्रिपरेशन कैसे करें मीथेन की प्रिपरेशन होगी सोडियम इथेनोइड से इसकी सोडियम प्रोपेनोइड्स इथेनोइड क्या होता है सी एच थ्री सी ओओ एच जो होता है वो होता है इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड में एच हटा के सोडियम लगा दें तो बन जाता है इथेनओ सोडियम इथेनोएट ऐसी प्रोपेनोइक एसिड होता है सी टू एच फाइव सी ओ एच एच हटा के सोडियम लगा दें तो सोडियम इथेन सोडियम प्रोपेन तीन कार्बन है प्रोपेन ओ बन जाता है इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करें सोडा लाइम क्या होता है बेटा सोडा लाइम होता है सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर एन ए ओ एच और एन और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर ठीक है ना बिल्कुल सही सोडा मतलब एन लाइन मतलब सी इन दोनों का मिक्सचर हम यहाँ डालते हैं थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो होता क्या है लाल दीजान ये जो सी ओ ओ एन से एन ए है ये आपस में मिल जाते हैं और एन ए टू सी ओ थ्री बना देते हैं एन ए टू सी ओ थ्री बना देते हैं ये बन गया एन ए टू सी ओ थ्री और यहाँ पे जो H बचती है वो H इसके साथ चली जाती है बन गया CH4 सेम रिएक्शन यहाँ होता है C ये पूरा का पूरा पार्ट आपस में मिल जाता है Na2CO3 बन जाता है और यहाँ जो H बचता है ये इस H के साथ जुड़ के C2H6 बना देता है तो यहाँ पे मीथेन बन गई यहाँ इथेन बन गई रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है ये आपको करने हैं ठीक है कि नहीं है नोट्स कहाँ मिलेंगे अगर इसका पूरा आपको नोट चाहिए इस पी डी एफ इसका पी डी एफ चाहिए तो फिजिक्स ब्रो ऐप डाउनलोड करिए भाई उसमें सबसे ऊपर मेन्यू सेक्शन पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा उस स्टडी मटेरियल में अपना क्लास चूज करके फिर सब्जेक्ट फिर चैप्टर चूज करके आपको मिल जाने ठीक है फिजिक्स ब्रो ऐप पे इस स्ट्रीम के बाद इसके लेक्चर्स के नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे जो भी अभी नए आए हैं उन्होंने लाइक कर दिया है कि नहीं करा है सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है करो जल्दी से अच्छा अब बात आई मीथेन और ब्रोमो इ, मीथेन इथेन से कैसे बनाना है बेटा मीथेन क्या होता है बाबा मीथेन मीथेन होता है सी एच फोर एक है हट जाए उसकी जगह आयोडीन आ जाए तो मीथेन एक है हट जाए और उसकी जगह ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो मीथेन इसमें क्या होता है अगर नेसेंट हाइड्रोजन आके लग जाए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हमें लेना पड़ता है जो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन देता है तो होता यह है दो नेसेंट हाइड्रोजन आते हैं इसमें से एक हाइड्रोजन एच के साथ चला जाता है सी एच फोर बन जाता है और एक एच आई के साथ चला जाता है एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड वही यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है सी एच फोर और एक एच बी आर ठीक है कि नहीं है इस तरीके से मीथेन की प्रिपरेशन आइडोमीथेन से भी की जाती है आगे बढ़ते हैं कंप्लीट कंबशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कंबशन का मतलब क्या है यहां पे देखिए शौर्य जयसवाल हांजी कैसे हालचाल एल्केन है सी एच फोर है बेटा सी एच फोर को अगर हम ऑक्सीडाइज करें एल्कालाइन के एम एन ओ फोर से एल्कालाइन के एम एन ओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो ये ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बना लेता है जैसे मीथेन है तो मीथेन से बन जाएगा बेटा मीथेनोल अगर इसको फिर से ऑक्सीडाइज करें तो बन जाएगा एल्डिहाइड यानी इसको फिर से ऑक्सीडाइज करें तो ये बन जाएगा ओएक एसिड -E -E एक कार्बन वाला मिथ एन ओएक एसिड और फिर से फाइनली करें तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जैसे ये देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं एक कार्बन वाला मीथेन फिर मीथेनोल हो जाएगा सी एच थ्री ओ एच फिर हो जाएगा मीथेन अल एच सी एच ओ फिर हो जाएगा एच सी ओ एच और फिर हो जाएगा आपका फाइनली ये सब में वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लेना है ये तब जब मीथेन है तो ये बन गया इथेन होता सी टू एच सिक्स तो इथेन इथेनॉल इथेनल इथेनो एक एसिड फाइनली कहा सीओ टू और एच टू वही बनता बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये वाला रिएक्शन एनजी बच्चे यहां पे K2, CR2, भी ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं ठीक है लाला ओके चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हमने आपको समझा दिया इथिन की प्रिपरेशन बाई कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इथेनॉल होता है इथेनॉल क्या होता है सी टू एच फाइव ओ एच इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है दो कार्बन एक पे ओ OH एच लगी होती है बाकी सारे एच होते हैं अगर हम इसे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो कंसेंट्रेटेड निकाल लेता है यहां से एच यहाँ से निकाल OH निकाल लेता है। H -H निकाल लेता है तो है ये जब तो बचता है सिर्फ ये और इसके बीच आ जाती है क्या डबल बॉन्ड तो ये देखिए इसमें अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ से एच टू ओ निकल जाएगा दो कार्बन और चार हाइड्रोजन बच जाएंगे इस तरीके से इथेनॉल से आपका बनता है वेरी रिएक्शन फॉर बोथ डी से कैसे बनना है बेटा डी का मतलब क्या होता है लाला डी का डी का मतलब क्या होता है डी का मतलब होता है रिमूव हाइड्रोजन एंड हेलोजन दो चीजें हट जाएं हाइड्रोजन और हेलोजन उसे बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जैसे क्लोरोइथेन है इथ यानी C2 H6 6 की जगह एक हाइड्रोजन कम करके क्लोरीन लगा दिया C2H6 में एक हाइड्रोजन कम करके ब्रोमीन लगा दिया C2H6 में एक हाइड्रोजन कम करके आयोडीन लगा दिया तो ये बन गया ये इसमें अगर हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड KOH डालें तो बेटा KOH डालने से क्या होता है लाला कि यहां से एक हाइड्रोजन हटता है एक क्लोरीन हटता है क्लोरीन जो हटता है वो के के साथ जाता है के सी एल हाइड्रोजन जो हटता है वो ओ OH एच के साथ जाता है एच टू ओ और यहां से एक हाइड्रोजन हट जाए क्लोरीन हट जाए तो हाइड्रोजन चार ही तो बचने हैं सी टू एच फोर लो बन गया इन सी टू एच फोर सेम रिएक्शन बिल्कुल यहां पर सेम रिएक्शन बिल्कुल यहां पर बी आर के के साथ जाएगा h o h के साथ जाएगा और बच जाएगा c2h4 ऐसे यहाँ पे c2h4 इसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ये कन्वर्जन रिएक्शन है जिसमें वो कहेंगे क्लोरोईथेन से ईथेन बनाइए कैसे बनाएंगे बुक में बहुत सारी रिएक्शन दे रखी हैं बट कई सारी आपके सिलेबस में नहीं है यहां मैं सिर्फ वही करा रहा हूं जो आपके सिलेबस ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इथाइन नंबर चुके हैं ट्रिपल बॉन्ड होती है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बेटा इसकी प्रिपरेशन के लिए कैल्शियम कार्बाइड लेना है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसे सिंपली वाटर से कर देना है वाटर में बेटा एच होता है और ओएच OH होता है कार्बन एच के साथ चला जाएगा कैल्शियम ओएच OH के साथ कैल्शियम ओएच OH के साथ जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देना है और सी और एच मिलके C2H2 बना देने हो गया बस यहां पे बैलेंस कर दीजिए बैलेंस करने के लिए यहां पे दो और ये बैलेंस हो गई है ठीक है कि नहीं है ओके इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन नहीं करना है सिर्फ इक्वेशन करनी है बुक में जितने भी डायग्राम दे रखे हैं प्रिपरेशन के वो नहीं करने हैं फिर बात आई वन टू डाइब्रोमो इथेन से कैसे बनानी है वन टू डाई, ब्रोमो इथेन इथेन है दो कार्बन ब्रोमो डाइब्रोमो यानी दो ब्रोमीन है। ये लीजिए ब्रोमीन लगा दी ये लीजिए ब्रोमीन लगा दी और बाकी हाइड्रोजन लगा दी इस पे भी दो हाइड्रोजन इस पे भी दो हाइड्रोजन ऐसे लेटा के भी बना सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो होता वही है बेटा दो केओएच आते हैं ये बीआर जो है ना के के साथ चले जाते हैं तो बन जाता है केबीआर ठीक है इसमें

आगे बढ़ा जाए फिर इसके बाद बात है, how to distinguish between alkyne, alkyne को कैसे distinguish करेंगे? तो distinguish करने के लिए पहले एल्न एल्किन में आप वो डालोगे क्या ब्रोमाइन ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर होता है तीनों के जहाज में डालोगे जिसमें वो डिकलराइज हो जाएगा वो इन या आइन होगा और जिसमें डीकलराइज नहीं होगा वो एल्केन होगा तो आपको ये तो पता चल जाएगी जिसमें डीकुलराइज नहीं हुआ वो एल्केन है लेकिन दोनों में हो जाएगा वो या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा फिर इन दोनों को डिस्टिंग करने के लिए आप इन दोनों में से कोई चीज लोगे जैसे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लोगे इन दोनों में डालोगे जिसमें कोई चेंज नहीं आया वो इन और जिसमें व्हाइट कलर का पीपीटी बन गया वो एल्काइन या फिर यह भी ले सकते हो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इन दोनों में डालोगे जिसमें कोई चेंज नहीं आया वो ईन और जिसमें रेड पीपीटी बन गया वो एलकाइन ऐसे कर सकते हो बात समझे नहीं समझे ओके है इथाइन का सी टू एच टू होता है बेटा सी टू एच टू होता है इथाइन का सी टू एच नहीं होता ओके सुपर एक्सट्रीम बेटा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का वन शॉट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है चैनल में आप जाके देख सकते हैं और नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलिएगा आई विल सेंड यू ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है फिजिक्स प्रो ऐप पे ये तीन टेस्ट सीरीज बहुत ही बढ़िया मजेदार अवेलेबल है फिजिक्स प्रो ऐप डाउनलोड करके इन टेस्ट सीरीज का आप लोग मजा उठा सकते हैं फिलहाल अभी जो एडिड सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें हैं यूजेस ऑफ मीथेन इथेन इथाइन नहीं थे ये यूजेस करने हैं आपको प्लस एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक में ये सारी चीजें उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और ये सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज और ये ठीक है कि नहीं है चलिए देखते हैं सबसे पहले बात आई कंप्लीट कंबशन ये मैंने ऑलरेडी करा दिया ठीक है यूजेस ऑफ मीथेन इथेन ये बेटा मैं अभी नहीं बता रहा हूं ये रटने हैं आपको रटने हैं ये आप खुद करेंगे इसके यूजेस इस बार ऐड हुए हैं इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है ये सीओ और एच बनाने काम में आता है और फ्यूल की तरह वो भी फ्यूल की तरह यूज होता है और और। है प्रिपरेशन ऑफ इथेन ठीक इथाइन और इसके यूजेस आप करेंगे फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक अल्कोहल पे बताओ अल्कोहल के पहले दो मेंबर्स का जल्दी से यूपे नेम बता दो अल्कोहल के पहले दो मेंबर्स का यस गीता मौर्य एसिड्स का वन शॉट ओके जल्दी बताइए अल्कोहल्स के फर्स्ट टू मेंबर्स का नाम बताइए। के फर्स्ट टू मेंबर्स का नाम है आपका मीथेनॉल अश्विन मिथेनॉल एंड इथेनॉल मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ठीक है बिल्कुल सही इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके बात आ रही है इसकी प्रिपरेशन ये बेटा समझ लो इस बार एड हुआ है तो मेरा मानना ऐसा है जो चीज ऐड होती है उसमें से आने की चांसेस ज्यादा हैं जो इतने सालों से नहीं आई थी बोर्ड का अच्छा अब हमने डाली है तो इसमें से तो कुछ जरूर देंगे ठीक है तो सी टू इसको अच्छे से कर लेना जरूर जितना भी एड हुआ है ये एल्काइल हैलाइड से, से कैसे बनाएंगे के ओ एच डाल के ओ एच को बॉइल करेंगे बेटा तो फिर वही होगा के जो है वो सी एल ले जाएगा और यहाँ पे सी एल की जगह कौन आ जाएगा वह आ जाएगा कितना सिंपल है ये बन गया C2H5 और OH और के Cl के साथ चला गया सेम रिएक्शन यहाँ पे अगर हम KOH के साथ करेंगे तो Br जो है वो K के, के साथ चला जाएगा KBr बन जाएगा और OH इसकी जगह ले लेगा C2H5OH तो ये लीजिए क्या बन गया इससे इथैनॉल बन गया इथेनॉल इस तरीके से बनाया जा सकता है अल्काइल हैलाइड से बॉइलिंग KOH डाल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनफ्लेमेबल होता है आग लग जाती है उड़ सकता है वॉलेटाइल <laughs> होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है कलरलेस होता है फेंट ओडर होती है बर्निंग जलता हुआ टेस्ट होता है इसका कंबशन कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे सीओ टू बनाता है ऐसे भाई ये भी सी टू एच फाइव ओ एच को भी अगर आप जलाओगे प्लस ऑक्सीजन में तो वही बनेगा सीओ एच टू ओ और हीट बैलेंस नहीं करी थी बैलेंस आप लोग खुद करोगे ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी मैंने बता दिया बेटा एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे एल्कलाइन के या पोटेशियम डाइक्रोमेट से एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से तो एल्कोहल से बन जाता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड सी एच थ्री एच ये था इथेन ओल इससे बन गया इथेन ओ एक एसिड इथेन ओ एक एसिड ये पहले बताया था वो लंबी वाली रिएक्शन चार पांच स्टेप्स में उसमें ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था चलिए आगे देखते हैं एक्शन विद सोडियम सोडियम के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करें ये लीजिए बहुत आसान रिएक्शन है सी टू एच फाइव ओ एच अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा यही होता है कि हाइड्रोजन यहां से हट जाता है हाइड्रोजन हट जाता है सी टू एच फाइव

कोई भी एल्कोहल जैसे यहाँ पे इथेनॉल ले लें कोई भी एसिड कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें जैसे इथेन ओ एक एसिड ले लिया बेटा अगर इसमें रिएक्ट कराएंगे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो होता यह है कि यहाँ से एच और यहाँ से OH आपस में उड़ लेते हैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है पानी को उड़ा लेता है एच तो अलग हो गया और ये जो था सी एच थ्री सी ओ ओ इसके साथ आके लग गया क्या सी टू एच फाइव इस तरीके से ये रिएक्शन में चूंकि ये जो नया कंपाउंड बना है एस्टर बना है इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकिन इसका नाम क्या होगा ये जो एस्टर्स होते हैं बेटा जैसे एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसी ये ग्रुप एस्टर्स एस्टर्स जितने भी होते हैं दे आर स्वीट स्मेलिंग इनकी फ्रूटी खुशबू वाली स्मेल होती है जैसे फ्रूट्स में आती है मीठी खुशबू इसका नाम क्या होगा नाम के लिए पहले आखिरी का पार्ट का नाम फिर स्टार्टिंग का आखिरी का पार्ट है आपका इथाइल C2H5 होता है इथाइल ओ से पहले क्योंकि दो कार्बन है तो इसका इथ से स्टार्ट होगा इथ एन ओ8 लग जाता है इसमें ओ8 इथ एन ओ8 ठीक है कि नहीं है रिएक्शन के रिएक्टेंट्स याद रखने होंगे बिल्कुल भाई बिना रिएक्टेंस याद रखे कैसे रिएक्शन करोगे ठीक है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेक्स्ट डिहाइड्रेशन विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मेरे बच्चे डिहाइड्रेशन विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में हम ऑलरेडी बता चुके हैं सी टू एच फाइव ओ एच को में अगर कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ये यहाँ से एच टू ओ निकाल लेगा दो एच अगर निकल जाए और एक ओ निकल जाए तो सिर्फ बचेगा सी टू एच फोर इथ बन जाएगा इथेन ओल से इथेन ओल से ठीक है आगे बढ़ते हैं डी नेचर्ड एल्कोहल क्या होता है बेटा जो एल्कोहल होता है वो कई यूजेज में अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आता है सोप इंडस्ट्री में लैब्स में स्कूल में कई uh, कई अलग अलग जगह यूज आता है मेडिसिन इंडस्ट्री में वो एल्कोहल का कहीं मिसयूज ना हो जो वर्कर्स है उसे मिसयूज ना करने लगें उसके लिए उसमें क्या किया जाता है पहले से ही कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग दैट इथेनॉल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस कंपाउंड्स लाइक कॉपर सल्फेट पिरीडीन एंड मीथेनॉल सच इथेनॉल इज कॉल्ड डी नेचर्ड एल्कोहल प्यूरियस एल्कोहल क्या होता है जो एल्कोहल इम प्रॉपर डिस्टिलेशन इथेनॉल होता है पीने से पहले उसको डिस्टिल किया जाता है उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उसे हटाए जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से डिस्टिलेशन ना हो उसमें कुछ मीथेनॉल के पार्ट्स बच जाए प्रपोर्शन बच जाए उस एल्कोहल को हम कहते हैं ठीक है नेक्स्ट बात आई भाई मिथाइल एसीटेट का ट्रीवियल नेम क्या है बेटा ये तो मिथाइल एसीटेट का तो नहीं एसीटेट के ट्रीवियल नेम्स हमने तो नहीं किए हैं बेटा चलिए बात आई कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट टू मेंबर्स फर्स्ट टू मेंबर्स हैं एक कार्बन वाला मिथ एन ओएक एसिड और दो कार्बन वाला इथ एन ओएक एसिड इनकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर्मूले ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर्स बना चुका हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी स्मेल विनेगर जैसी होती है प्योर ये इंपॉर्टेंट है प्योर एसिटिक एसिड जो होता है बेटा इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं क्यों क्योंकि प्योर एसिटिक एसिड जब जमता है फ्रीज होता है तो बिल्कुल इसके क्रिस्टल्स ग्लेशियस जैसे लगते हैं दैट्स व्हाई प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड ठीक है क्योंकि ये एसिड है ये एसिड है ये आप समझिए CH3COOH को अगर हम पानी में डालते हैं तो CH3CO- आयन के साथ

इसका नाम क्या होगा सोडियम दो कार्बन है तो इथ एन और ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दी थी कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ से एच और ओ एच निकल जाता है एस्टर्स बन जाते हैं यूजेस इसके भाई रेजन बनाने के काम में आता है रटना है विनेगर मेडिसिन में डाइस परफ्यूम्स लेटेक्स एसिड प्रिजर्वेटिव के भी काम में आता है इसमें भाई रटना है इसमें मैं कुछ समझाने की हालत में अभी नहीं हूँ टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी बता दिया फिजिक्स डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके से भाई आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है अब बताओ मेरे भाई प्रिपरेशन तो बिल्कुल आएगी भाई बिल्कुल आ सकती है का हाइड्रोकार्बन भाई कैसी बात कर रहा है अनिकेत हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है जितने उसमें हाइड्रोजन कार्बन है तो ना कहेंगे तो क्या कहेंगे तो भी भी आया, आया, मजे आए कि नहीं आए मेरा तो गला बैठ गया हमें मत कहना मजे नहीं आए ठीक है यस सुगल कपूर तो बेटा लाइक बनता है लाइक बनता है लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है यस बच्चे ओके okay. ठीक है बबलू दी जान अब ये बताओ मुझे कि इसके आगे आप लोग कौन सा चैप्टर करना चाहते हो वन शॉट रिवीजन चैप्टर करना है या मैंटी को करनी है मतलब आज अभी नहीं नेक्स्ट सेशन में आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो जल्दी से बता दो लाले दी <laughs> आज नहीं होगा होगा। मेंटी क्विज़ अगले सेशन में होगा। अब बताइए नेक्स्ट मेंटी क्विज़ चाहिए या फिर किसी दूसरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन फिजिक्स या केमेस्ट्री में नाम लिख दीजिए नाम लिखते जाइए वन शॉट का भी और अगर मेंटी है तो कौन सा चैप्टर की ओके okay, राधिका अश्विन सहस धनवदे ओके okay. जी भाई युगल कपूर कह रहे हैं सारे बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री, श्री राम बहुत बढ़िया भाई स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विद न्यू सिलेबस ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एल केन यूज एस फ्यूल बिकॉज इट हैज हाई कैलोरी वैल्यू इट बर्न्स इट फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है चलिए फिलहाल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करिए मेरे प्यारे बच्चे आ, इसकी जो फिर से चला गया ब्लैकआउट हो गया अभी आ रहा है इसकी जो बेटा ऐप है फिजिक्स ब्रो एप डाउनलोड करिए उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे इसका पी भी मिलेगा जो भी हमने आज पढ़ा है इसके पी वाई क्यू भी मिलेंगे है ना? उसको आप करिए और अब हम लोग मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में अब कल सुबह वापस से ठीक है तैयारी करते रहिए किसी की कोई परेशानी है तुम चैट्स के थ्रू फिजिक्स ब्रो ऐप पे मेरे से डिस्कस कर सकते चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय हाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आप लोग करिए और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइएगा प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं एक एक पॉज करके आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ये लीजिए स्क्रीन फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए मेरे प्यारे फिर इसका स्क्रीनशॉट ठीक है फिर इसका स्क्रीनशॉट फिर इसका स्क्रीनशॉट ये सब प्रैक्टिस करनी है बेटा एग्जाम में इसमें से फंस जाएगा पक्के से कुछ ना कुछ जरूर स्क्रीनशॉट लेके ये सारी प्रैक्टिस करेंगे फिर ये स्क्रीनशॉट नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आजा भाई ये आया नेक्स्ट ये आया नेक्स्ट ये आया नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी से और इसको घर पे करेंगे स्ट्रीम के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन शॉर्ट ये देखिए ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको मेन्यू सेक्शन पे क्लिक करके स्टडी मटेरियल अपना क्लास चूज करेंगे यहाँ मिलेगा या फिर स्टोर सेक्शन में जाके अगर किसी कोर्स में एनरोल करना है कर सकते हैं जैसे यहाँ यूट्यूब पे वैसे भी तो ऑल राउंड लाइव क्लासेस भी चलती हैं फिजिक्स ब्रू ऐप पे अगले साल के लिए क्लास इलेवेंथ के लिए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्दी उसमें आप जब टेंथ कर लेंगे तो एनरोल कर सकते हैं ठीक है चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलती हैं चैप्टर वाइज नोट चैप्टर वाइज टेस्ट चैप्टर वाइज पी वाई क्यू चैप्टर वाइज वीडियोस एंड चैप्टर वाइज लाइव लेक्चर्स प्लस डाउट सेशंस सारी चीज़ों का ऑल इन वन बंडल है फिलहाल मेरी तरफ से आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट है बेटा खूब मेहनत करिए दिल लगा के पढ़िए मज़े से पढ़िए और अपने एग्जाम्स को बढ़िया से क्लियर करिए माई वेरी बेस्ट विशेज विद यू मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय-बाय रुद्र बंधन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कैसे करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं चैप्टर क्लियर करिए चैप्टर के और उसी के साथ उसके न्यूमेरिकल लगाइए अगर आप सोचते हैं करने का कोई एक सीधा तरीका है कि ये लो फॉर्मूले खा लो और फॉर्मूले में लगाते जाओ, नहीं आएगा। तब ही कर पाएंगे आप ठीक है कल मैं इसकी यस बेटा बिल्कुल कल मैंटी को इस करेंगे ठीक है ओके बाय टेक केयर सी यू टुमारो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटा लेके आइए तो मजे आते हैं पढ़ाने में ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करिए चलिए ओके बाय